नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द फैक्ट आई में। आज हम फिर बात करने वाले हैं कुछ नौजवान लड़कियों से, जानने वाले हैं उनके विचार कि वो क्या सोचती हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में और बाबा राम रहीम जी के बारे में। हेलो हेलो, मेरा नाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश है। आपका? ज्योति। कशिश एंड ज्योति फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्या जानते हैं बाबा राम रहीम जी और डेरा सच्चा सौदा के बारे में? मैं यहाँ पे शुरू से आ रही हूँ और मैं स्कूल में भी पढ़ चुकी हूँ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जो पिताजी हैं उन्होंने हमारा वो सब कुछ है, हमारे उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और मेरी विशेज जो हैं वो भी बहुत सारी पूरी हुई हैं, और हम शुरू से आ रहे हैं। आपको कितना टाइम हो गया डेरा में आते? मैं भी यहाँ बचपन से आ रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, मेरी पूरी फैमिली भी डेरे को मानती है, और मुझे नहीं लगता कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है ऐसी कोई भी बात सच है। आपने खुद ही मेंशन किया है मीडिया के बारे में, तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया है, क्या क्या बाबा राम रहीम जी करते हैं, कैसे करते हैं, मीडिया ने सब बातों पे बहुत बड़े बड़े एपिसोड्स बना के दिखाया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद आ रहे हैं तो आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उस बात के, उसके बारे में बताइए कि मीडिया क्या कह रही है और आपने क्या ऑब्जर्व किया? मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से जो मीडिया है वो सेकंड करप्ट मीडिया है इंडिया की। मुझे लगता है कि ये जो भी बोल रहे हैं सब झूठ है, और पिताजी को फंसाया गया है, और हमें इन सब पर विश्वास नहीं है, और हम तो डेरे आएंगे और आते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी मीडिया के बारे में और यहाँ जो होता है उसके बारे में? देखो दीदी, हम बच्चे तो हैं नहीं, अगर हमें यहाँ पे कुछ नेगेटिव दिखता या जो मीडिया दिखा रही है हमें यहाँ दिखता तो हम नहीं आते, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे आते हैं, तो इसका मतलब हम पॉजिटिव सोचते हैं और हम मानते भी और मानते रहेंगे। बहुत ही सीधा जवाब आपने दिया है कि यदि आप कुछ देखते, आप कुछ ऑब्जर्व करते यहाँ पे नेगेटिव, तो आप यहाँ क्यों आते? और आपने कहा कि इंडिया की मीडिया पर आपने बहुत ही गहरा कटाक्ष भी किया है। अब हमें बताइए कि किस तरह का काम यहाँ डेरा सच्चा सौदा में होता है, किस तरह का व्यवहार है बाबा जी का लड़कियों के प्रति? वो हम सबको एक बेटी की तरह मानते हैं। उन्होंने जैसे कि सुख दुआ समाज के लिए एक प्रथा खोली, उन्होंने एक अलग से उनके लिए जगह बनाई है, जो लोग गरीब हैं उनकी हेल्प करके उन्हें बहुत सारी उनको फाइनेंशियल वो पोजीशन में लेके आए हैं वो, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम है, और जो लोग भी उन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो एकदम मेरे झूठ है सब कुछ। आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? हमारे गुरुजी हर लड़की को ऐसा बेटी ट्रीट करते हैं, उन्हें अपना प्यार देते हैं, और जो माँ बाप है कि जो अपनी बेटियों को फेंक देते हैं या उन्हें अच्छे नहीं रख पाते, पिताजी उनकी केयर करते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं, उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का, उनकी स्टडी का भी। और मैं भी अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ चुकी हूँ, मैंने देखा है जो पिताजी के पास बेटियाँ रहती हैं वो भी हमारे साथ ही पढ़ा करती थी, बहुत अच्छा बिहेव करते थे पिताजी उनके साथ, और उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। आपने कहा कि बाबा जी का व्यवहार सभी लड़कियों के प्रति एज अ डॉटर ट्रीट करते थे सभी लड़कियों को। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना हमारे व्यूअर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी कि डेरा सच्चा सौदा में क्यों आना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी आप लोग कुछ सुन रहे हैं ये सब कुछ झूठ है, और आप उन पर ना विश्वास करके इन सब बातों से दूर रहे और डेरे आया करें। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि डेरे हम आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कभी भी मीडिया की बातों पे विश्वास ना करके हमेशा डेरे आते रहिए, और जो मानते हैं कभी भी किसी की गलत बात पे विश्वास ना करें जब तक हम उसको अपनी आंखों से ना देखें। आपने कहा कि जब तक हम देख ना लें अपनी आंखों से तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोग यहाँ आ रहे हैं और आप लोगों ने अपनी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो विचार हैं अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा।